हरे ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चंद्रमा की स्थिति को। चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है 1 सितंबर से लेके और 6 सितंबर के बीच में जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे जल्दी परिवर्तन करने वाला ग्रह है, परंतु उतना ही गंभीर और गहरा प्रभाव देखा जाता है। कोई भी ग्रह जब जितनी भी अवधि के लिए, जितने समय के लिए जिस राशि में या नक्षत्र में गुजर करते हैं वो अपना प्रभाव देते हैं। तो चंद्रमा का देखा जाए तो चंद्रमा 1 सितंबर को रात्रि 9:47 में अपना परिवर्तन सिंह राशि में करेंगे। देखा जाए तो 2 तारीख ही समझ लीजिए, क्योंकि रात्रि में 10 बजे तक सबका काम हो ही जाता है, तो फिर 2 तारीख को लोग काम अपना शुरू करेंगे। तो 2 तारीख से आप जीवन में क्या प्रभाव दिखेगा ये समझेंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का ये जो परिवर्तन सिंह राशि में होने जा रहा है तो यहां पर सूर्य पहले से विराजमान है और बुध भी विराजमान है, जिससे अमावस्या योग और निपुण योग का निर्माण होगा, साथ में त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। और यहां पर देखा जाए तो पहले तो ये 1 तारीख से लेके और फिर रहेंगे 4 तारीख तक। तो 4 तारीख को ये सुबह ही 9:54 पर अपना परिवर्तन पुनः कर लेंगे और कन्या राशि में चले जाएंगे। और कन्या राशि में केतु पहले से विराजमान है, जिससे ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। और फिर ये 6 तारीख को रात्रि 11 बजे तक कन्या राशि में रहेंगे, पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। तो सिंह राशि और कन्या राशि में गोचर करते हुए ये क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि 3-3 योग बनने जा रहे हैं, तो इनका भी प्रभाव अपने आप में दिखाई देगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो सिंह राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो चंद्रमा आपके दाम्पत्य जीवन के अधिपति हैं, यहां पर थोड़ा सा आपको अपने दाम्पत्य जीवन को संभालना होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा वाद विवाद कलह का माहौल, और खासकर दाम्पत्य जीवन में ये स्थिति बनने वाली है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं देखी जा सकती हैं, तो स्वास्थ्य का उनके ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस समय यात्रा करते समय सावधानी विशेष रूप से बरतनी चाहिए, क्योंकि यात्रा करते समय अचानक कोई समस्याएं आ सकती हैं, इससे बाहर निकलने के लिए आपको पहले से तैयार कर लेना चाहिए। थोड़ा सा घर में कलह का माहौल देखने को मिल सकता है। आपकी वाणी के द्वारा कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि जो स्थिति है, जो समस्याएं हैं, उन्हें आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो घर परिवार में हो या कहीं भी हो, जो समस्याएं हैं उन्हें अपने वाणी के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश करें। हाँ, ये जरूर है अपनी वाणी को थोड़ी संयमित रखें, अधिक ना बोलें, जितना ही बोलें कि जितना जरूरी हो। तो जब उतना बोलेंगे जितना जरूरी है तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर रहेगी। और कोई भी पैतृक संपत्ति हो, उससे जुड़ा कोई मामला हो, उसे भी आप सुलझाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो अचानक धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, तो आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं, तो अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। और साथ में यहां पर अब चंद्रमा धीरे धीरे बदलाव करेंगे और कन्या राशि में जाएंगे, और कन्या राशि में जाते हुए आपको ये देखने को मिलेगा कि इस समय आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, यानी कि मेहनत में कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो यहाँ पर फिर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा पिता के साथ या पिता के जीवन में समस्याएं देखने को मिलेंगी, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं विशेषकर देखी जा सकती हैं। आपका मन, यदि आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो वहां से हटने का प्रयास करेगा, तो अपने मन को स्थिर रखना होगा। बहुत ज्यादा जोश भी इस समय समस्या का कारण बन सकता है, तो बहुत ज्यादा जोश में नहीं आना है, होश में रह के काम करना ठीक रहेगा। आपको
अपने चाहे जो आपके कलीग हों, भाई बंधु हों, उनके साथ अपने व्यवहार को बेहतर रखना है। कोई परीक्षा प्रतियोगिता में है, कोई तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर तैयारी को बहुत मजबूती के साथ करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी एक गलती आपको असफलता दे सकती है। तो ये कुछ प्रभाव थे जो कि 1 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपको मिलेंगे। और यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती है आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, क्योंकि ये जो प्रभाव आपने सुना मुझसे अभी, ये गोचर का प्रभाव था। तो गोचर हमेशा जन्म कुंडली के ऊपर डिपेंड होता है और जन्म कुंडली गोचर के ऊपर डिपेंड होती है, इसलिए दोनों को देखना समझना बहुत जरूरी है यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करें जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, जीवन की सभी समस्याएं दूर हों। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।